में इश्क क्या है बताइए। सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को मेरे अपने पूरे भोजपुरिया स्वरूप, मेरे भगवान स्वरूप भोजपुरिया जनार्दन, भोजपुरिया दर्शकों को उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम है। और इश्क, इश्क अगर मैं दो लाइन में अगर मैं उसे अगर अपने शब्दों में अगर मैं बताऊं तो जो वो दो लाइन ये है कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। तो यही टैगलाइन के साथ हमारी फिल्म इश्क आ रही है आप सबके नज़दीकी सिनेमाघरों में 21 अप्रैल यानी कि शुक्रवार से ठीक दो दिन बाद। तो ईद के मुबारक मौके पर आप सबके नज़दीकी सिनेमाघरों में होगी इश्क, आप सब लोग जाएं ज़रूर देखें। और इस इश्क से मेरा पूरा गारंटी कि आपको मेरी और इस आप सबकी फिल्म इस इश्क से बेइंतहा इश्क हो जाएगी। जी चिंटू जी, आज फिल्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्री रिलीज के लिए, फिल्म के एक्ट हीरो तो है यहाँ पर, हीरोइन नहीं है, क्या है वजह? दरअसल मुझे जानकारी मिली कि काजल जी को कोई अभी शूटिंग करी थी वो तो उन्हें चोट लग गया है सर पे, तो जिस वजह से वो रेस्ट मोड में है, लेकिन जैसे ही जल्दी वो ठीक होंगी तो वो बहुत जल्द आप सबके बीच वो भी आएंगी। उन्होंने डॉक्टर ने अभी चूंकि बेड रेस्ट के लिए बोला हुआ और सर पे काफ़ी गंभीर रूप से चोट भी लगा हुआ है, वो शूटिंग करी थी उत्तर प्रदेश में, हाँ तो उस चक्कर में उन्हें चोट लग गया तो इसलिए नहीं आ पाई, लेकिन वो जैसे ही जल्दी ठीक होंगी वो बहुत जल्द आप सबसे आप सबके बीच में होंगी हमारे दर्शकों के सामने। जी राज सर, आपसे जानना चाहूँगी कुछ बताइए फिल्म के बारे में। सबसे पहले तो जो लोग देख रहे हैं हमें उनको ढेर सारा प्यार और बहुत सारा दुलार हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। 21 अप्रैल को हमारी इश्क जो है वो आ रही है, और वो इश्क जो हमने शिमला मनाली उस वादियों में और उत्तर प्रदेश के ऐसे अलग अलग लोकेशनों पर हमने जो शूट की है, जो प्रदीप पांडे चिंटू और काजल लगवानी के बीच में इश्क है, जिसमें इश्क के बीच में जो ये पढ़ते हैं राजप्रेमी जी, विक्रांत सिंह है, शुभी शर्मा है, तो सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो वो इश्क 21 अप्रैल को आएगी, आप लोग देखें और आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई ये जो इश्क है इस इश्क के अंदर क्या इश्क है, और मजा आएगा आप लोग। राजप्रेमी सर, एक बार फिर आप प्यार के दुश्मन बने हैं, कुछ बताएंगे? पूजा जी, मेरा नाम ही प्रेमी है, मैं दुश्मन तो बन ही नहीं सकता। बस एक तो सब लोगों को नमस्कार, देखने वालों को, और पूजा जी क्या है, 22 तारीख को ईद है तो हम ईद मुबारक बोलते हैं, उससे पहले चिंटू जी का इश्क मुबारक। उससे पहले ईद से पहले मेरा इश्क मुबारक, इश्क मुबारक, क्या बात है, बहुत अच्छा है ना। तो चिंटू ने भी ये बताया, वो एक हमारी फिल्म में गाना भी था, हाँ, कि ईद से पहले चांद का दीदार हो गया, अल्लाह अल्लाह मुझे प्यार हो। तो बस यही चीज इस बार हो रहा है, और जिसका दीदार आप सब लोग आपके नजदीकी सिनेमाघरों में करेंगे बहुत ही भव्य रूप में और बहुत ही कमाल के अद्भुत फीलिंग्स के साथ, एक एहसास के साथ, जो हम वाकई में जब एक इश्क जब कहते हैं, इश्क प्यार मोहब्बत, ये अपने आप में अधूरा है, ये शब्द ही अधूरा है इश्क, तो बस यही देखना है कि क्या ये इश्क मुकम्मल हुआ है, यानी कि पूरा हुआ है, कि ये भी इश्क अधूरे रह गए, तो जाके ज़रूर देखिए अपना नज़दीकी सिनेमाघर में। ओके चिंटू जी, इसके अलावा टाइटल से पता चल रहा है कि प्यार की कहानी है, लेकिन अगर आपके किरदार के बारे में बताइए, और जैसे सर ने कहा कि बहुत सारी वादियों में शूट किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, अगर बिहाइंड द सीन कुछ बताएं हमें, कुछ फन मेमोरीज आपकी? बहुत ज्यादा, बल्कि इस फिल्म को जब शूट करने हम लोग गए थे तो इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हुई लखनऊ में, फिर और भी कई सारी जगहों पर हम शूट कर रहे थे, तो अचानक से पापा ने बोला कि हम इस फिल्म को जो है एक अलग रूप में, जो मैं सोचा हूँ कि इश्क को जो इसकी कहानी है, चूँकि बहुत नायाब कहानी है, नई कहानी है और बहुत ही अद्भुत कहानी है, मतलब इसका अगर पूरी कहानी स्टार्ट से लेकर एंड तक अगर आप फिल्म को देखेंगे तो आप एक सेकंड के लिए भी उठना नहीं चाहेंगे, चूँकि वो फिल्म आपको शुरुआत के 10 मिनट के बाद ही आपको सीधा कनेक्ट कर देगा, आपको जोड़ देगा, चूँकि हर व्यक्ति ने, हर ऐसा इंसान ऐसा कोई इस धरती पर नहीं होगा जिसने कभी इश्क ना किया हो किसी ना किसी से, तो वो इश्क ज़रूर याद दिलाएगा आप सबको, और इतने खूबसूरत तरीके से आपको सिनेमा से जोड़ेगा, अपने आप से बांध देगा, मेरे उस किरदार से बांध देगा अपने आप को, आपको लगेगा कि मैं तो खुद को ही देख रहा हूँ, कि जिससे मैं प्यार करता था या करता हूँ या करती थी या करती हूँ, वो बिल्कुल इसी तरह यही एहसास है, यही फीलिंग है मेरा उसके प्रति या उसका मेरे प्रति, चाहे वो डायलॉग्स के माध्यम से हो, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी के माध्यम से हो, उसको पिक्चराइज करने के माध्यम से हो। ये फिल्म, चूँकि हम लव स्टोरीज तो कई सारे किए हैं, कई सारे करते हैं, कर भी रहे हैं, करेंगे भी, लेकिन ये जो फिल्म है जिसका शीर्षक ही अपने आप में सिर्फ इश्क है,
तो आप सबको इसके शीर्षक से ही समझ में आ रहा होगा कि ये वाकई में इश्क के उस एहसास को आपको एहसास कराएगा जब भी आप इस फिल्म को सिनेमा हॉल में देखेंगे। और ये फिल्म हम आप सबके बताएं कि फिल्म खाली सिनेमा हॉल में देखेंगे कि मजा, काहे कि बड़ा पर्दा पर जब आप सबके एक बड़ा जो भव्य लोकेशन हमने के शूट कर ले बनी जा मनाली में, शिमला में, कश्मीर में, मुंबई में, लखनऊ में, बहुत सारा अन्य जगह पर एक शूटिंग भेल बा, तो जब ये बड़ा बड़ा भव्य लोकेशन के जब आप सिनेमा हॉल में बड़ा पर्दा पर देखें तो एक उसका जो एहसास होगा वो उस इश्क के फीलिंग के साथ बहुत ही अद्भुत हो जाएगा, बहुत ही एक भव्य लगेगा, आपको लगेगा कि आप सिनेमा को वाकई में आप एक भव्य सिनेमा भोजपुरी में देख रहे हैं, अपने भाषा में देख रहे हैं, आपके अपने चिंटू की के साथ आप जुड़ के उसके साथ उस इश्क के सफर में आप भी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो ज़रूर जाएं, और मेरे जो किरदार है बहुत ही अलग से किरदार किया है मैंने, ऐसा एक रफ एंड टफ गाय पहली बार दिखेगा आप सब। राजकुमार सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इश्क नाम तो फिल्म का है लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर की शुरुआत ही बहुत शानदार है, फाइट एक्शन सीन से शुरू हुई सर, और बहुत अलग तरह का एक्शन दिया गया, क्या बोलना चाहिए? एक्शन बहुत अद्भुत है और बहुत मेहनत हुई है उसके ऊपर, अगर आप देखें। हाँ, एक चीज़ और है, नॉर्मली हम लोग जब ट्रेलर भोजपुरी का छोड़ते हैं तो लोग हमेशा, मैंने देखा कई लोग कमेंट करते हैं खासतौर यूट्यूबर्स से, या वो लोग कहते थे कि अरे यार पूरी फिल्म तो हमने ट्रेलर में देख ली है, अब फिल्म में क्या होगा। लेकिन इस बार उनको हमने बहुत करारा झटका दिया है, जो ट्रेलर देखा है वो स्टोरी बिल्कुल अलग फिल्म के अंदर है, और जो स्टोरी है बड़ा अनएक्सपेक्टेड है, वो लगेगा करे यार जो हमने ट्रेलर में देखा था ये तो वो तो बहुत कम देखा है, फिल्म तो वाकई बहुत अच्छा है। मतलब फिल्म के अंदर आप देखें तो हर सीन अपने आप में एक ट्रेलर की तरह है और मजा आएगा। जो लोग हम हमेशा अंदाजा लगा लेते हैं ट्रेलर देखकर कि ऐसी कुछ कहानी होगी, हाँ ठीक है नॉर्मल होगा, एक विलन होगा या इस तरह से होगा, जो आपस के मतलब ये लोग तो हैं जैसे राजप्रेमी जी हो गए, विक्रांत हैं, या बाकी लोग और भी तमाम कलाकार फिल्म से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा जो दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है यानी चिंटू और काजल के बीच का, वो बहुत खतरनाक है, वो ट्विस्ट ही छुपा हुआ है। मैं बात बताऊंगा कि मैंने बहुत सारी फिल्में की है, तमाम एक्ट्रेसेस ने किया है, इवन चिंटू और काजल की कई फिल्में और आई है मैंने किया है, लेकिन जो केमिस्ट्री इस फिल्म के अंदर दोनों का मिला है वो खतरनाक है। केमिस्ट्री को लेकर मेरा एक सवाल और है, मैंने वो देखा है बहुत शानदार है, और पहली बार मैंने देखा जो एक किस्म वाला गाना है, बहुत फास्ट ट्रैक पे बहुत अच्छा डांस किया गया है सर, वो मैंने नोटिस किया, शायद भोजपुरी में ऐसा मैंने फास्ट ट्रैक पे सॉन्ग्स नाचने वाला नहीं देखा। बहुत थोड़ा रिलेट किया कि थोड़ा ऐसे मौलिकता भी होनी चाहिए गानों के अंदर, और एक ऐसा सॉन्ग हो जो अपने कल्चर के साथ साथ अपनी बाकी, देखिए प्रेम की अगर बात करें तो श्री कृष्ण और राधा जी का जो प्रेम रहा है वो बड़ा बड़ा क्लीन और बड़ा नीट प्रेम रहा है, मतलब जिसके अंदर कोई इस तरह की वासना नहीं थी। तो प्रेम हमेशा प्रेम ही है, इश्क जो है वो इश्क सिर्फ आप उसको बहुत, मतलब उस आदमी को अलग रूप में चाहे सर, इश्क तो सोल अपनी आत्मा से होती है, और इसीलिए एक लाइन बहुत सी कही गई है कि अगर इश्क है तो शक कैसा, और इश्क नहीं है तो फिर हक कैसा। तो ये सारी खूबसूरत लाइनें इस फिल्म में कई सारी हैं कि अगर इश्क है तो शक कैसा, और अगर शक है तो अगर इश्क नहीं है तो हक कैसा, तो हक कैसा। सर आप, मैं एक सवाल मेरा आपके लिए है, आप लेखक हैं, निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, गीतकार हैं, संगीत भी दिया, सर पूरा ट्रेलर तो बन चुका है, आपको कोई मलाल है कि इसमें ये चीज रह गया ये मैंने नहीं किया? नहीं, ऐसा कोई मलाल नहीं है, मुझे लगता है जिस भाषा के साथ जिस बजट में हम लोग जो फिल्में बनाते हैं अपनी भाषा के लिए, और जितने कम बजट में हम लोग बनाते हैं, तो मलाल इस बात का जरूर रहता है कि हमारी फिल्मों के लिए अगर बहुत बड़ा बजट हो तो जिस तरह हिंदी फिल्में बनती हैं और भाषाओं की, जो दो तीन ऐसी भाषाएं हैं जिसके कैपिटल्स बहुत बड़े हैं, जिनके फंड फाइनेंसर्स जिनके पास वाकई कैपिटल बहुत ज़्यादा है, तो अगर ऐसा कुछ समय और आता जाए, और आ रहा है भोजपुरी के लिए बहुत सुनहरा समय आ चुका है, आ भी रहा है, तो डे बाई डे जो हम लोगों के अंदर आइडियाज हैं, जो हमारी क्षमता है, हम सोचिए ना थोड़े से बजट में अगर हम लोग इतने लार्ज स्केल पर सिनेमा दिखा सकते हैं, तो जब हमारे पास अच्छे बजट होंगे, हम सेट को तैयार कर पाए, किसी चीज को क्रिएट कर पाए, तो हम लोग तो आग लगा डालेंगे पर्दे के ऊपर। मेरा चिंटू सर से सवाल है, सर चुलबुल पांडे वर्सेस चिंटू पांडे हो रहा है, चुलबुल पांडे यानी कि सलमान खान, सलमान भाई की फिल्म भी किस तरीके वाली सर, क्या फिर बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, चुलबुल पांडे वर्सेस चिंटू पांडे, लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस दर्शकगण ये डिसाइडर हैं उनके पास वो हक और अधिकार है कि वो किस फिल्म को अपना प्यार दें, जो भी फिल्म उन्हें अच्छी लगी, जो भी फिल्म उन्हें बेहतरी लगे, और मैं तो ये कहूँगा कि चुलबुल पांडे वर्सेस चिंटू पांडे में चिंटू पांडे की फिल्म बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो आप लोग जाएँ, क्योंकि इसमें वो एहसास है, वो फीलिंग्स है, वो सोल है, और
खास तौर पर हमारे भोजपुरी भाषा की, हमारी मिट्टी की, हमारे हमारा जो वो जो प्रेम है ना, जो हमारे तरफ का जो होता है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो हमारे जो जितने भी हमारे जो छवड़ाज हैं, यानी कि हमारे जितने भी हम लड़के लोग हैं, हम लोग जो प्रेम करते हैं, उस प्रेम की परिभाषा इस फिल्म में दिखाई देगी। चूंकि कहा जाता है कि सबसे ज्यादा दिलवाले और दिलजले दोनों उत्तर प्रदेश और बिहार के धरती पे ही पाए जाएंगे आपको, चूंकि हमारे यहाँ प्रेम का एक अलग परिभाषा है, एक अलग रूप में हम लोग प्रेम को देखते हैं और अलग ढंग से भी करते हैं। जब प्रेम हो जाता है तो वाकई में ये जो टैगलाइन कहा गया है ना कि ये आग का दरिया है डूब कर जाना है, तो वाकई में ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लड़कों पर ही ये ज्यादा लागू होता है। चूंकि जब हम जब प्रेम करते हैं तो हमें कोई आग का दरिया, कोई भी ज्वालामुखी का समंदर, ये सब हमारे लिए बस एक तिनके भांति नजर आता है हम सबको इस हमारे इश्क के सामने। ये मुझसे इस बात से जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं ये सारे लोग मुझसे ये जरूर कि प्रेम में तो तुलसीदास जी भी पढ़े थे और वही उसी धरती के रहे हैं और प्रेम के वश में आके ही तो वो मतलब बहते हुए इतने तूफान में अपने पत्नी को मिलने चले गए। और वहां जब उन्होंने उनको धिक्कारा कि भाई जितना प्रेम मुझसे कर रहे हो यही प्रेम श्रीराम में प्रभु में लगाओ तो आपका जीवन और मेरा दोनों का धन्य हो जाएगा। और देखिए प्रेम की जब भी चीजों की शुरुआत हुई है मूलतः एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर मिठास है, भोजपुरी अपने आप में, जिससे हिंदी निकली हुई चीजें हैं। तो जब भी कोई ऐसी बात आती है हमारे यहाँ डायरिंग भी है, हमारे यहाँ इमोशंस भी है, मोहब्बत भी है, लड़के एकदम टाँग के खड़े जाते हैं, चाह तो चाह, नहीं चाह तो नहीं चाह। तो वही उसी टैगलाइन के साथ है कि इश्क जंग हो या इश्क हो और भरपूर होना चाहिए, तो इस फिल्म में भरपूर है, चाहे वो जंग हो यानी कि जो फाइट सीन्स की बात की एक्शन वो भी भरपूर है, डायलॉग बाजी भरपूर है, इश्क तो भरपूर ही भरपूर है, रोमांच तो एकदम चरम सीमा पर है। सवाल है जैसे कि प्रेम की बात हो रही है, प्रेम की परिभाषा आपके शब्दों में क्या है? प्रेम की परिभाषा राष्ट्रप्रेम। देखिए क्या है, मैं तकरीबन 30 सालों से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, चुलबुल पांडे के साथ भी मैंने काम कर लिया। अब चुलबुल पांडे से लेके चिंटू पांडे था। चुलबुल पांडे की भी फिल्म चलनी चाहिए, चिंटू पांडे की फिल्म ज्यादा चलनी चाहिए, अच्छी फिल्म चलनी चाहिए। बहुत बड़ा देश है हमारा, 140 करोड़ जनता है, 40 करोड़ भोजपुरी भाषी है, और मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी फिल्में 100 करोड़ का बिजनेस करें, क्यों नहीं करें? बिल्कुल क्यों नहीं करें? 1 करोड़ लोग फिल्म देखते हैं, 100 रुपए की टिकट होती है, 100 करोड़ हो जाता है। भोजपुरी की फिल्म 20 रुपए की होगी, 30 रुपए की होगी, लेकिन 1 करोड़ लोगों को देखना है थिएटर में जाकर, वो 50 करोड़ की फिल्म बन जाती है। बहुत मेहनत से फिल्में बनती हैं, मैंने हर डिपार्टमेंट में काम किया है। भोजपुरी में मैं कई सालों से हर साल 2 फिल्म 3 फिल्म 4 फिल्म ऐसे ही कर रहा हूँ, तकरीबन 25 फिल्में किया हूँ। एक प्रोड्यूसर रह गए थे भोजपुरी सिनेमा कम्प्लीट जहाँ होती है ना, वो एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह गए थे जिनके साथ मैंने काम नहीं किया था, वो था राजकुमार आर पांडे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो जर्नी है भोजपुरी का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट सा हो गया है। मैं चिंटू पांडे के साथ ही मेरी पहली फिल्म है, राजकुमार आर पांडे साहब के साथ मेरी पहली फिल्म है जो रिलीज हो रही है। और प्यार, पूजा जी आपने बोला प्रेम, प्रेम मुझे ऐसा लगता है कि संसार में सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी प्रेम की, एडम एंड ईव जिसको बोलते हैं, सबसे पहले उत्पत्ति उसकी हुई थी। और प्रेम जब तक बरकरार रहेगा, और हर रिश्ते में प्रेम का होना अनिवार्य है, हर रिश्ते में, और सही में हर रिश्ते में भरपूर होना चाहिए, ये तो हमारा टैगलाइन है, लेकिन प्रेम होना चाहिए। और प्रेम के वजह से संसार आज भी टिका हुआ है, आज जो संतुलित है संसार दुनिया वो बिकॉज ऑफ प्रेम। हमारे पास अभी भी ना दुश्मनी कम है और प्यार ज्यादा है, इस वजह से हमारा संसार टिका हुआ है। तो ये फिल्म जो है इश्क, मैंने पहली बार काम किया राजकुमार आर पांडे साहब के साथ, और मुझे ऐसा लगता है, मैं मतलब राजकुमार साहब को बोल सकता हूँ कि सर ये आपके टेस्ट की नहीं, आपने अपने टेस्ट से बहुत अलग हटके फिल्म बनाई है, मतलब ये बहुत यश चोपड़ा लेवल की फिल्म, इन्होंने बहुत यश चोपड़ा लेवल की फिल्म बनाई है। और मैंने भी जब मैं डबिंग करने गया था, मैंने राजकुमार आर पांडे साहब को फोन किया, मैं बोला यार ये भाई ये मुझे है ना ये आपका टेस्ट मतलब सडनली एकदम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गया, कैसे हो गया, बहुत बड़ा और बहुत भव्य फिल्म बनी है, बहुत भव्य बनाई है। और राजकुमार सर मेरा आपसे सवाल है,
हमने सबको जाना, विक्रांत सिंह राजपूत का क्या रोल है, क्या कुछ बताएं उस बारे में? विक्रांत का काम बहुत अच्छा है, और विक्रांत ने जब वो एक किरदार, जैसे फिल्म में एक और है जो एक ट्रायंगल सिचुएशन बनता है, तो नॉर्मली होता है ना कि हम फिल्म में किसी विलन टाइप के आदमी को ले लेते हैं, ऐसा लगता है वो पहले से लग जाता है कि यार ये फिल्म का इस तरह का कोई किरदार होगा, तो एक सेमी स्मार्ट लड़का और चाहिए था, जैसे चिंटू जी हैं उसी तरह एक और चाहिए था कि कोई ऐसा हो जो रिप्रेजेंट करे, मतलब एक हीरो की तरह ही खुद को रिप्रेजेंट करे, और वो किस तरह से फिल्म को कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है या उसके किरदार को किस तरह से रंग भरता है, ये जब आप फिल्म देखेंगे ना इश्क, तो आपको लगेगा कि जो मेरी कास्टिंग है, जो मेरा सेलेक्शन है, जिसको मैंने विक्रांत को स्पेशली बोला, विक्रांत शायद कोई फिल्म उस टाइम कर भी रहे थे, तो मैंने यार अगर तुमको लगता हो कि ये वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो तुम कर लो, तो बोला नहीं सर मैं आ रहा हूँ, और उसने फिल्म की, और क्या कमाल का काम किया, जो केमिस्ट्री बनी ना इन लोगों की, चिंटू की, काजल की, विक्रांत की, और उसके बाद ये इनका राजप्रमी जी का आना, और दूसरे जो किरदार है फिल्म के अंदर, वो शुभी शर्मा का जिस तरह से फिल्म के अंदर एंट्री है, वो बहुत खूबसूरत है इन लोगों का, मतलब आपको हर एक कैरेक्टर में, सही बताऊं, हाँ, टेलर भी कलाकार शो किया है, मैंने टेलर में सर की एंट्री बहुत अच्छी देखी है, चार गाड़ियां आ रही है बाहर निकल रहे हैं, काजल ने आपके साथ जो डायलॉगबाजी की है बहुत शानदार डायलॉगबाजी हुई है। मैं मुझे वो सीक्वेंस याद है, क्योंकि राजकुमार साहब ने ना वो कंसीव किया था कि ना वो पांच गाड़ी आएगी, एक ही कलर की आएगी, ब्लैक कलर की, अगर आपने देखा, और उस वजह हम सुबह 7:30 बजे इन्होंने बुलाया, और वो 1:30 बजे तक, क्योंकि लखनऊ में शूट कर रहे थे और भरपूर फॉग आ गया, भरपूर ठंड में पूरा कोहरा हो गया, और पांच गाड़ी एक कलर की आई थी गाड़ियां, कुछ कलर मैच नहीं हो रहा था, इन्होंने वापस की, इन्होंने फिर बुलाई कि ये कैरेक्टर की एंट्री, ये पांच गाड़ी सेम टू सेम चाहिए तो ही होगी, और सारी बड़ी गाड़ियां चाहिए, सारी सुबह 7 की शिफ्ट को 2 बजे से शूटिंग स्टार्ट, 2 बजे से शूटिंग, ये नहीं वो प्रॉपर गाड़ी होनी चाहिए, प्रॉपर लुक, वो जिमी जीप शॉट लगाया था इन्होंने, शॉर्ट वर्ड लगा के बैठे थे, बट वो तो शानदार सीन है सर, मैंने देखा। राजकुमार सर, आपके फिल्मों में गाने काफी शानदार होते हैं, इस फिल्म में किस तरह के गाने और कितने गाने हैं बताइए हमें? बहुत, अभी एक गाना जैसा कि अभी रिलीज हुआ है यूट्यूब पर, एंटरटेन रंगीला की चैनल पर, चल प्यार करें आधा आधा, वो गाना बहुत ही कर्णप्रिय है, बहुत ही कमाल का गाना है, और उस पिक्चराइज भी बहुत अच्छा हुआ है, काफ़ी भव्य हुआ है। देखिए गाने इसमें, इश्क में सात गाने हैं, छः गाने हैं, और सारे गाने बहुत अलग तरीके से और अलग रूप में शूट हुए हैं, जो उस फिल्म की डिमांडिंग थी, जो इस एहसास का कि ज्यादा गाना डालने से बेहतर है, हाँ, गाने कम हो, 6 हो, लेकिन वो गाने बड़े गाने वो होने चाहिए जो आपके सिनेमा की कहानी को आगे बढ़ाए, और उसको पिक्चराइजेशन बड़ा किया जाए, जो नॉर्मली हम भोजपुरी सिनेमा में कई बार कम देखते हैं कि सिर्फ हीरो हीरोइन डांस कर रहे हो, या ऐसे छोटे एक नॉर्मल से लोकेशन पर शूट हो रहे हो, तो वैसे नहीं, तो जितने भी गाने थे हमने सारे भव्य लोकेशंस पर, जहाँ डांसर्स की भी बात करें तो काफी ज्यादा डांसर्स को यूज करते हुए, मनाली में जो गाना शूट हुआ है रोमांटिक सॉन्ग, और साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छा गाना है, जो अगर मैं कहूँ तो जैसे बिहार में चूंकि दारूबंदी है तो वहाँ दारू तो नहीं पी सकते, लेकिन वहाँ पर ताड़ी पी सकते हैं, तो हीरोइन को वही ताड़ी पिलाने की बात है कि ताड़ी, आप ताड़ी पी लो, तो उसमें 2 लाइन है, लड़की जो है वो ताड़ी उठाती और पी लेती है, जो हमारी काजल जी है, और पीने के बाद एक सफ़र में, और पीने के बाद फिर उनके जो जज्बात है बाहर आने शुरू होते हैं उनके लाइन्स के माध्यम से, वो है कि बानी नशा में चूर हो, कैला पिया जी मजबूर हो, बानी नशा में चूर हो, कैला पिया जी मजबूर हो, लैला ताड़ पसला भनी उतार के उतार के उतार के, तो मैं बोलता हूँ कि ये हो जानी ताड़ पिया दा हो, परमी ही सन बा सरकार के। मेरा सवाल सर, सवाल है, इस साल 2023 में सबसे ज्यादा बेस्ट एक्टर का अवार्ड चिंटू सर को गया है, कितना कुछ प्रेशर आपके ऊपर आ गया है कि अब इनकी पिक्चर हिट भी होनी चाहिए और पिक्चर को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिलना चाहिए और सर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए, तो आपके ऊपर प्रेशर? देखिए ये कोई तरह का प्रेशर वेशर नहीं होता दिमाग के अंदर कि इस बार बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो वो अवार्ड मिलना है इसीलिए काम करना है, मैंने तो ये हमेशा दिमाग में रख के फिल्में बनाई है कि फिल्म अच्छी बननी चाहिए, दर्शक पसंद करना चाहिए, मेरे जब से राजकुमार पांडे ने फिल्में बनानी शुरू की तब से दर्शकों ने भर भर के प्यार मुझे दिया, जब भी मेरे नाम को पोस्टर के साथ जुड़ा गया या मैं कहीं से भी जुड़ा तो दर्शकों ने बहुत प्यार दिया, अभी भी बहुत मैसेज आते हैं कि सर आप वाले डायरेक्शन की फिल्म कब आ रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं उस वाला प्रेशर जरूर रहता है
कि यार इससे पहले इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सारी फिल्में आई हैं, तो अगली वाली फिल्म में और कोशिश, जैसे इस फिल्म ने बहुत कोशिश की है, हर तरह का मेहनत किया है। और ये भी है कि अब धीरे धीरे हम लोगों का दायित्व तो और बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि हमारी भाषा की फिल्मों को और समृद्ध करना है और मजबूत करना है, और बड़ा प्लेटफॉर्म इसका होना चाहिए। देश विदेश आईपीएल हर जगह हमारी बातें, हमारी भाषा, हमारे कमेंट्रीज, हमारी चीज़ों का क्रिकेट हर हर जगह हमारी चर्चा है। तो अब इसको सिर्फ छोटे स्केल तक नहीं रखना है, हम जितना भी कुछ जो भी हमारे पास फंड आता है मैक्सिमम फंड हम खर्च करते हैं। मैं तो जब फंड बनाता हूँ तो जोड़ता ही नहीं, तो मैंने जोड़ा नहीं कि इसमें क्या पैसा लगा हुआ है या क्या मेरे पास रिटर्न आएगा। और अब आप सोचे ना कि कितने गर्मी में भी हम लोगों को इंटरव्यू भी करना पड़ रहा है आपके साथ बैठ के, इससे ज्यादा गर्मी में हम शूटिंग करते हैं, हमारे पास आज भी बेसिक सुविधाएं नहीं होती हैं। लेकिन हैट्स ऑफ है हमारे कलाकारों का और टेक्नीशियंस जितने हैं कि कम सुविधाओं में भी बहुत कोशिश करते हैं परफॉर्मेंस को जीवन करने के लिए, किरदार को जिंदा रखने के लिए, और वो पूरी व्यवस्था में बाकी टीम के टेक्नीशियन लग जाते हैं कि किस तरह से हमारी फिल्म एक सार्थक फिल्म बन जाए। तो वो प्रेशर जरूर रहता है कि फिल्म पिछली वाली फिल्म से बेहतर फिल्म अगली वाली कैसे करें। और दरअसल अवार्ड से ज्यादा रिवॉर्ड्स का हमें ज्यादा दिमाग में रहता है, जो दर्शक हमें देते हैं रिवॉर्ड, यानी कि उनका जो प्यार, उनका जब प्यार मिलेगा सिनेमा हॉल में, दरअसल उसको मद्देनजर रखते हुए जब भी हम कोई भी, चाहे मैं हूँ, चाहे राजप्रेमी जी हैं, कोई भी कलाकार हो, चाहे काजल जी हो, विक्रांत भाई हो, शुभ शर्मा जी, तो जो भी कोई भी कलाकार जब परफॉर्म करता है तो अपने किरदार को बखूबी निभाने के लिए, अपने उस किरदार को 100% देने के लिए वो परफॉर्म करता है। और मेरा जो सबसे ज़्यादा मानना है कि तभी वो किरदार जीवंत होता है, तभी आपसे या हमसे वो दर्शक जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, कि आप उस किरदार को जब आप जीवंत करते हैं, जब आप उस किरदार को बड़े ही अच्छे से उसको सॉफ्टली और उससे बिल्कुल उसी नेचुरल जो किरदार की जो मांग है, जो ज़रूरत है, जो डिमांड है, अगर वो आप परफॉर्म करते हैं तो दर्शक आपसे उस चीज़ से जुड़ते हैं। बाकी अवार्ड्स तो जब मिलता है तो हाँ, तब आपको ये लगता है कि बिल्कुल जो आपने मेहनत किया उसे सराहा है और लोगों ने पसंद किया है अपने इस अवार्ड देकर, तो हमें और प्रोत्साहन मिलता है कि हम और बेहतरीन और अच्छा काम करें। राजकुमार सर, आपसे सवाल ये है, पहली बात तो मैंने खुद ट्रेलर देखा, मुझे ये एक हिंदी फिल्म जैसा ही फील आया ट्रेलर देखकर, वो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ ऐसे ही स्टैंडर्ड बढ़े और अपनी भोजपुरी फिल्म में बाकी लैंग्वेजेस भी पहुँचे, पहली बात तो ये। तो ये चलिए, ये तो एक सजेशन था। सवाल मेरा ये है सर, कितने स्क्रीन्स पर आप इसे रिलीज करने का फिलहाल प्लान कर रहे हैं, मुंबई, दिल्ली या कहाँ कहाँ, क्योंकि हर जगह ईद के समय फिल्में हैं, तो क्या कुछ उस बारे में बताना चाहेंगे? जैसे ऑल ओवर इंडिया रिलीज हुई, जहाँ जहाँ भोजपुरी फिल्में लगती हैं जी, जैसे मुंबई में हमारा क्या नाम है, सुपर सिनेमा है, पायल सिनेमा है, आनंद मंदिर बनारस का सबसे बड़ा जो हमारे पूर्वांचल का गौरव कहा जाता है, आनंद मंदिर में है, और हाजीपुर नेशनल में है, संगीत मोतिहारी में है, और क्या नाम है, छपरा ज्योति में है, ऐसे तमाम सेंटर अलग अलग जगह पर जो है, और जहाँ जहाँ जिस टेरिटरी में भोजपुरी, पंजाब में, तो सब जगह फिल्म को रिलीज कर रहे हैं। अब स्क्रीन सभी कल तक डिसाइड हो जाएगा कि कितने मैक्सिमम सेंटर हम लोगों को मिल रहे हैं और लग रहे हैं, वो स्क्रीन्स का जो लिस्ट होगा वो जरूर शेयर किया जाएगा। ये भी होता है कई बार, हमारी एक स्ट्रेटेजी और भी होती है कि हम कई बार ना बहुत स्क्रीन नहीं लगाते हैं, जब फिल्म पर बहुत कॉन्फिडेंट होता है ना कि फिल्म वाकई अच्छी है, तो हम जितने मेजर सेंटर्स होते हैं वहां लगा के फिर उसको फिल्म को स्प्रेड करते हैं, फिर मतलब वीक टू वीक उसको और ज्यादा स्क्रीन पर फैलाते हैं। जैसे आप देखिए कश्मीर फाइल्स के साथ हुआ था, जब रिलीज हुई थी तो बहुत छोटे उस पर हुआ था, मतलब काफी कम स्क्रीन थे, लेकिन डे बाय डे बढ़ते बढ़ते कई सौ स्क्रीन हो गए उसके, तो दर्शक खुद ही बढ़ा देते हैं। मैं बताऊं, जब फिल्म चलती है और दर्शक जब चलते हैं ना, तो फिर तो स्क्रीन क्या है, वो सारे लगाना खुद ही शुरू हो जाते हैं। चूंकि ईद का इतना बड़ा फेस्टिवल है, इतना बड़ा मुबारक मौका है, और इस मौके पर ऑल ओवर इंडिया एक साथ ये फिल्म रिलीज हो रही है, इश्क, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब हो, गुजरात हो, मुंबई हो, पंजाब, ऐसे कई जितने भी विभिन्न जहाँ पर भी भोजपुरी फिल्में हमारी लगाई जाती है, और सभी स्क्रीन में लग रही है, तो जाएं और अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में पता करके जाएं जहाँ पर भी फिल्म, जिस भी सिनेमा हॉल में लग रही है, और अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ जाएं, क्योंकि सिनेमा देखने का मज़ा सिर्फ सिनेमा हॉल में मैं अपना पूरा परिवार के संग है, अपना दोस्त यारन के संग है, तो अपना हमने के इश्क के खूब सारा इश्क दी, खूब सारा प्यार दी, और अपना पूरा दोस्त यार के साथ जाके जरूर, बस दो ही दिन बचा है, दो ही दिन बचा, इंतजार का मजा लीजिए, उसके बाद इश्क और प्यार का मजा लीजिए। बस मैं तो ईद के मुबारक मौके पर सिर्फ ये कहूंगा कि इश्क मुबारक। हाँ, इश्क मुबारक, ये बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।